दोस्तों आइए अब चलते हैं कि आपने तो पेमेंट कर दिया, रिसिप्ट भी पेमेंट का आपके पास में आ गया, लेकिन अब जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है प्रोफेशनल टैक्स का, उसको अब कैसे डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सेल टैक्स डिपार्टमेंट में पहले लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके पास में उसके बाद में आपको लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइन पे बने रहिए, मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और इस जानकारी के साथ में आप अपने व्हीकल का बारीकी से आप अपना प्रोफेशनल टैक्स भर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ये जो दिख रहा है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, जैसे ही गूगल ओपन होगा, गूगल में आपको टाइप करना है सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सेल टैक्स डिपार्टमेंट का जब पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे mahajst.gov.in, ये महाराष्ट्र के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको अदर एक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये जो अदर एक्ट रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, न्यू डीलर रजिस्ट्रेशन, RC डाउनलोड। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ये जैसे फर्स्ट वाला है न्यू डीलर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर वेरियस एक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वो क्लिक करके थोड़ा वेट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे MVAT इंस्ट्रक्शन आ रहा है बहुत सारे, इसको एग्रीमेंट है होता है इस, उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे आकर के नेक्स्ट कर देना है। ये जो नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एक और ऑप्शन आ गया, यहाँ पे न्यू डीलर, आपको न्यू डीलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू डीलर पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाना है, नीचे जा कर के आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे वापस आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों प्लीज़ सेलेक्ट पेन, तो यहाँ पे पेन और टेन, तो टेन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको पेन सेलेक्ट करना है। जैसे आप पेन सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर टाइप करना है पेन वाले ऑप्शन में, और पेन वाले ऑप्शन में आपको सही सही पैन कार्ड का नंबर डालना है, और डालने के बाद आपको कंस्टिट्यूशन में पर्सन और प्रोप्राइटर, और यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप आएगा, तो प्रोप्राइटर आपको कर देना है। जैसे आप प्रोप्राइटर करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको कैप्चा डालना होगा। जैसे आप कैप्चा अगर डाल रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, कैप्चा अगर डाल रहे हैं, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे आ गया यूजर नेम आईडी। अब यूजर नेम आईडी में आपका पैन कार्ड का नंबर आ गया, यहाँ पे फुल नेम और ईमेल आईडी और री इंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे डालेंगे यूजर आईडी, यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे। अब पूरा नाम जो पैन कार्ड पे रहेगा वही नाम डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे। अब ईमेल आईडी में कोई भी एक ईमेल आईडी अपना ले लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। अब जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दोस्तों टाइप करेंगे, सही से अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया कि आपका इनबॉक्स पे आ गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी से एक्टिवेट करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन करना है। अब ईमेल आईडी में जाने के बाद आपको एक आएगा पैन कार्ड के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से मेल आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बैंक के तरफ से मैं पैन कार्ड सेल टैक्स के तरफ से आपको एक ईमेल भेजा गया है, जो कि टेम्प्रोरी पासवर्ड है वेरिफिकेशन करने के लिए।
तो आपको वेट करना है, जैसे आएगा वैसे प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, वेट कर लेना है। और जो ईमेल आईडी आप डाले रहेंगे उसको रिफ्रेश करते रहना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे थोड़ा वेट कर लीजिएगा, 2-4, 5 मिनट या 10 मिनट, वो अगर सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ज़रूर आएगा आपके मेल आईडी पे। हम देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19:39 पे एक आ गया MSTD प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं वेरीफिकेशन करूँगा। अब वेरिफिकेशन में क्या करना है, जैसे मेल आप ओपन करेंगे, जैसे ये मेल आया इसको आपको क्लिक करना है, मेल आईडी ओपन कर लेना है, जीमेल का है। और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का जो मैसेज आया, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डियर एप्लीकेंट कॉन्ग्रेचुलेशन, योर टेम्प्रोरी प्रोफाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, अब क्लिक द लिंक बिलो टू गेट योर अकाउंट एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक जो आपने पीछे वाले पे आपने ईमेल आईडी डाला हुआ था और आपने मोबाइल नंबर भी डाला हुआ था, तो ये ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे एक जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल पे एक OTP गया होगा, वो आपको यहाँ पे बोलेगा OTP डालने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1-time password मोबाइल नंबर पर जो गया है वो पूछ रहा है। यहाँ पे टाइप करेंगे और OTP टाइप करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी में ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो पहला आपको एक ऑप्शन बता रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आपको दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर मदर, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर मदर, आपके माता का पहला नाम क्या है, मतलब जैसे कुछ भी रहता है तो वो आपको ये क्वेश्चन है। मतलब विच इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, विच इज़ योर फेवरेट गेम, व्हाट इज़ योर पेट नेम। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रखना है और इसका आंसर भी आपको सटीक टाइप कर देना है। अब यहाँ पे हॉबी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज़ योर हॉबी, क्रिकेट। यहाँ पे सिंपल आंसर मैं टाइप कर देता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन में, और लिख के भी रख लेना है सिक्योरिटी की क्वेश्चन में, विच इज योर हॉबी और लिख लेना है। और यहाँ पे क्रिकेट पहला कैपिटल कर देंगे और आपको इसको याद रखना है, क्योंकि आप फिर कभी सेलटेक्स वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं याद है तो आपको रिसेट करने के लिए ये चीज़ पूछे जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं बोलूँगा कि इसको आप याद रखें। और यहाँ पर आंसर में मैंने क्रिकेट टाइप कर दिया, और यहाँ पर क्रिकेट टाइप कर दिया दोस्तों। क्रिकेट टाइप करने के बाद अब यहाँ पे OTP डाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ पे आंसर डाल दिया, आंसर में क्रिकेट। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वेलकम MSTD, योर टेम्प्रोरी फाइल प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रोफाइल हमारा क्रिएट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अब प्लीज़ लॉगिन, अब प्लीज़ लॉगिन पर जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन पे जाएंगे, अब एक बार दोस्तों एक बार और वेट करेंगे। अब आपको आएगा पासवर्ड, टेम्प्रेरी पासवर्ड आएगा, क्योंकि टेम्प्रेरी पासवर्ड एक बार वेट कर लेते हैं, मेल आईडी पे आ जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब फिर से 19:44 पे प्रोफाइल पासवर्ड इनविटेशन आया है जो कि टेम्प्रेरी रहता है। इसको मुझे ब्लॉर करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी रीजन है, इसको मैं ब्लॉर कर दूंगा। और यहाँ पे जो आपको यूजर नेम में जो आपका पैन कार्ड रहेगा और ये यहाँ पे योर पासवर्ड टेम्प्रेरी पासवर्ड रहता है, इसको नोट कर लेना है। और इसको नोट करने के बाद आपको फिर से वापस क्रोम में आ जाना है, यहाँ पर सेलटेक्स का वहाँ प्रोफाइल, अब यहाँ पे सेलटेक्स वाला, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अब क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा दोस्तों। अब लॉगिन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब जैसे यहाँ पे यूज़र नेम में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे यूज़र नेम में पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड में दोस्तों, पासवर्ड में जो टेम्प्रोरी पासवर्ड आया हुआ था वो पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप टेम्प्रोरी पासवर्ड जो मेल आईडी में आपको आया हुआ था वो डालने के बाद यहाँ पे लॉग ऑन कर देना है। जैसे यहाँ पे लॉग ऑन करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, यूजर नेम
हो गया यहाँ पे करंट पासवर्ड। अब यहाँ पे आ गया है कि जो कंपनी के तरफ से पासवर्ड आया हुआ था उसको यहाँ पे डाल करके आप अपने मन से आप नया यूज़र नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड में मतलब जो आपको मेल आईडी पे आया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कंपनी करंट पासवर्ड में मतलब जो आपके कंपनी के तरफ से अभी मेल आईडी पे जो पासवर्ड भेजा गया वो यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाना है, तो सिंपल सी तरीका में आप नया पासवर्ड जैसे अपने मोबाइल में फेसबुक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपको पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। जो बीच वाले में टाइप करेंगे वही नीचे भी टाइप करना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के बाद आपको चेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे यहाँ पे देखिए द पासवर्ड वाज चेंज, अब यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल टेक्स्ट पे और महाराष्ट्र पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे जो पहला दिख रहा है आपको लॉगिन फॉर ई सर्विस पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे लॉगिन हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे तेरा। आपको प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा रिटर्न और यहाँ पे पेमेंट, और पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न एंड ड्यू पेमेंट, पेमेंट हिस्ट्री और OTPT पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे सबसे नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे वेट करेंगे यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, अब आपको रेगुलर पेमेंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपने क्या भरा था, तो PTEC यहाँ पे एक्ट में PTEC आपको सेलेक्ट कर लेना है। PTEX में आपको डेट बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में आपको डेट टाइप करना है। यहाँ पे डैश दे देना है 1000, फिर डैश देना है यहाँ पे 2022 कर दीजिए यहाँ पे फिर से। अब यहाँ पे आप 31/3 फॉर्मेट 31/3 2024 कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पे भी दोस्तों पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ गया दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑथोराइजेशन का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कृपया अगर ऑथोराइजेशन का भी आपको पेमेंट करना है तो कृपया मेरे वीडियो को फॉलो करें, और ऑथोराइजेशन का वीडियो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने के बाद और तुरंत डाउनलोड नहीं हो पाता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 20 मिनट या आधे घंटे के बाद फिर से ट्राई करें डाउनलोड लॉगिन करके, आपका प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट ज़रूर डाउनलोड होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में रहता है, प्रोसेस होने के बाद ही ये कॉलम में आपका PDF बन के आता है। तो दोस्तों थोड़ा वेट भी कर सकते हैं पेमेंट करने के तुरंत बाद, अगर डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड नहीं होता है तो आप थोड़ी देर के बाद 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।